Now coming to the third question, question says tick mark the correct answer in each of the following. So आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको करेक्ट आंसर टिक करना है. फर्स्ट वन इज फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन. अब जो हमारे बॉडी में हम जो फूड इनटेक करते हैं उसमें जो फैट होती है वो कहाँ पे कम्प्लीटली डाइजेस्ट होते हैं? दे आर कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. सो वी हैव ऑप्शन स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. सो स्मॉल इंटेस्टाइन में कम्प्लीट डाइजेशन होता है. सेकेंड वन इज वॉटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व मेनली इन. अब जो वॉटर होता है अनडाइजेस्टेड फूड में से जो वॉटर है वो कहाँ जाता है? दैट गोज इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन. सो स्टमक फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. सो आंसर इज लार्ज इंटेस्टाइन. Then moving to the fourth question, match the items of column 1 with those given in column 2. So, आपको again column 1, column 2 दे रखे हैं, match the following से. यहाँ पे column 1 में आपको food components दे रखे हैं and in column 2 you are given the products of digestion. So, carbohydrates कैसे digest होते हैं? They are digested with the help of sugar. But starch breakdown होती है sugar में. So, therefore it is related with sugar. Then we have proteins. Proteins को digest करने के लिए हमें required होता है amino acid. So protein is related with amino acid. Then we have fats. अब fats के लिए क्या चाहिए? Fatty acid and glycerol. So this is the matrix. Okay. So this was our question number 3 and 4. Let's move to the next question.